इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं, और आप हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, और हाँ आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस सीरीज का बेनिफिट उठा पाएं। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 70 लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बेस्ड है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पे। अगर आप इसे चाहो तो मॉडरेट या अबव मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन कह सकते हो, बिकॉज इसमें थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होने वाला है, बट जो आप एक बार इससे अगर आप समझ जाते हो तो आप दोबारा फिर इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, आप उसे जरूर चेक करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो लेक्चर्स के लिंक सारे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो बिना टाइम व्यर्थ करते हुए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें कह रहा है कि n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस ए टू बी। ए टू बी तक एक प्रोसेस होता है जिसकी पीवी डायग्राम आपको दी हुई है, और इसमें n मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में जो गैस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा टाइम देकर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत ही फायदेमंद रहेगा फिर आपके लिए सॉल्यूशन ये। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना चाहो, तो पहले आप क्या करो ना, इसकी कोऑर्डिनेट लिखो। इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 2p0, v0। इसकी कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी p0, 2v0। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए। कोई अननोन कोऑर्डिनेट आप ले लो, दैट इज p, v, तो इससे क्या होगा ना कि आप इस ए बी की जो इक्वेशन है वो आप लिख पाओगे। तो ए बी की इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो आपको आगे कुछ शायद समझ आए कि आप आगे क्या करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ ए बी लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, आप स्लोप देखो यहाँ पे, स्लोप अगर आप लिखोगे तो वी नॉट अपॉन दिस माइनस दिस माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, अगर आप इसका स्लोप लिखते हो तो वी माइनस वी नॉट अपॉन पी माइनस टू पी नॉट, ये इक्वेशन आपको दे देगा इन टर्म्स ऑफ पी। पी के टर्म्स में हम इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन है, तो आप एन आर टी बाई वी इक्वल टू पी लिख सकते हो, और पी का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पुट करने वाले हैं, इसीलिए तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से पी वी नॉट माइनस टू पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू, दिस विल गिव यू माइनस पी नॉट वी प्लस पी नॉट वी नॉट। ओके, तो आप यहाँ से पी सेपरेट करना चाहते हो तो पी वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट वी, एंड दिस विल गिव यू 3p0 v0। ये फाइनली आपको p यहाँ से मिलेगा इन टर्म्स ऑफ v, v के टर्म्स में आपको p मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे माइनस पी नॉट वी अपॉन वी नॉट प्लस 3p0, दिस इज p। हमने p को v के टर्म्स में इसलिए लिखा है बिकॉज आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर रिलेटेड, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो आप अगर p को v के टर्म्स में ले आते हो तो आपके पास यहाँ पर दो ही वेरिएबल होंगे, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और हमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम dT अपॉन dV इक्वल टू जीरो कर देंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट करेंगे, जिसमें से जो v की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए वैल्यू होगी, इसीलिए हम यहाँ पर p कैलकुलेट कर रहे हैं। तो p कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पर पुट करते हैं, सो इट विल गिव nRT अपॉन v इज इक्वल टू p इज माइनस p0 अपॉन v0 इंटू v प्लस 3p0, ये आ गया p। अब आप यहाँ से t निकालो, तो t इज इक्वल टू माइनस p0 v0 इंटू v स्क्वायर प्लस 3p0 इंटू v डिवाइडेड बाई nr डिवाइडेड बाई nr। कॉमन कुछ आ रहा है यहाँ से, कॉमन आ रहा है p0 अपॉन nr, आप यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई वी नॉट प्लस 3v अपॉन nr इज कॉमन, p0 बाई nr हमने कॉमन लिया। तो अगर आप dT अपॉन dV इक्वल टू जीरो करते हो,
So you get either maximum value or minimum value. This is the concept for maxima and minima. तो आप यहाँ से फिर dt upon dv करो, this becomes zero and यहाँ पर हो जाएगा minus 2v upon v naught plus 3 equal to zero. तो यहाँ से आपको v की value आएगी 3 upon 2v naught. तो इस वॉल्यूम पे मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा. तो इस वॉल्यूम पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है, इसका मतलब कि आप यहां पर v की वैल्यू को रखोगे 3/2 v0. सो t इक्वल्स टू माइनस p0 339 v0 स्क्वायर अपॉन 4 बाय n r v0. ओके, यहां पर रख देंगे हम यहां. उसके बाद आगे प्लस में क्या है, प्लस 3 p0 बाय n r इनटू 3/2 v naught. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. सो t इक्वल टू माइनस 9 p naught v naught स्क्वायर अपॉन v naught स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा इससे. तो 9 माइनस 9 p naught v naught अपॉन 4 n r प्लस 9 p naught v naught अपॉन 2 n r. अगर आप इसे इस ध्यान से सॉल्व करो देखो तो आपको मिलेगा 9 p naught v naught upon 4 n r. ओके, सो आप यहां पर देखो ऑप्शन आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है. तो आपने देखा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट अगर आप एक बार इसे समझ जाते हो तो दोबारा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, तो हम एक-एक करके सारे क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं. और आप हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, और हाँ, आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस सीरीज का बेनिफिट उठा पाएं. साथ ही साथ हमें एक पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स भी उसी मींस रेशियो में मेहनत कर रहे हैं जिस तरह से हम वीडियोस आपके लिए रोज नए-नए वीडियोस लेकर के आते हैं. तो आप भी कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आपको और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियो लेक्चर्स चाहते हो, तो हमें ये जरूर बताएं आप. तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट एज ऑलवेज. थैंक्स फॉर वाचिंग.